हम सभी अब हमारा ध्यान का समय हो गया है, इसलिए हम तो प्रवचन कल भी सुनेंगे, लेकिन अभी हम थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए जो भगवान ने बताया है, हम अपने पुण्य कर्म के वजह से जैसा हमें ध्यान करने के लिए स्थान होना चाहिए वैसा ये स्थान भी मिला है, इसीलिए पुण्य से पुण्य बढ़ता है। इसीलिए हम अपना पुण्य का प्रमाण बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। इसीलिए अपना पुण्य क्या है? दान देना यह तो पुण्य है, और शील पालन करना, इसके बाद हम समाधि का अभ्यास करने। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, ये मग्गान ठिंगी को सेट्टो सेट्टो चतुर्पदा विराग सेट्टो धम्मान द्विपदानंद चक्कुमा मार्ग में आर्य अष्टांगिक मार्ग ये श्रेष्ठ है। सत्य में चार आर्य सत्य श्रेष्ठ है, और धर्म में वैराग्य श्रेष्ठ है, और मनुष्य में चक्षुमान जो होता है वो श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसलिए ध्यान के समय में हम तो ऐसे हैं, हमारा जो चित्त है, हमने बहुत सारे जन्म पुण्य किया ये तो निश्चित है, लेकिन हमारा जो चित्त है पुण्य कर्म का फल लेकर भी आता है, लेकिन हमें होश नहीं रहता है तो किस समय क्या पुण्य कर्म फल लेकर आया है। इसलिए हमें पुण्य कर्म की जानकारी समय समय पर देने के लिए हमने बहुत सारे जन्म में जो संकल्प किया है, इमिना पुण्य कमेन मामे बाद समागम सतंग समागम हूँ तु याव निबान पत्या। ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा आपने पढ़ी है सुनी है, तो भी आपके मन में ये उत्पन्न नहीं हो रहा कि किस समय हम क्या करना चाहे। ये रूपरेखा ऐसी तैयार की है कि जो समय ध्यान का है उस समय हम ध्यान करेंगे। यदि ध्यान नहीं करेंगे तो ये जो केवलम परिपूर्णं परिशुद्ध ब्रह्मचारी प्रकाशित, हमारा सही तरीके से जो उत्तम जीवन है ब्रह्मचर्य का वो पूरा नहीं हो सकता। ऐसे महान तपोभिमर हम आए हुए हैं और धर्म सुनकर ही जाएंगे, तो ये हमारे लिए तो लाभदायक है, लेकिन हम थोड़े समय के लिए हम ध्यान करेंगे। अभी एक घंटे का समय हमारा ध्यान किया है, तो भगवान ने कैसे बताया, ध्यान कई बार भी होता है क्या? नहीं होता। तो इसीलिए अरण्य ही है, जहाँ कोई गांव नहीं, कोलाहल नहीं, भले ही समगान तपस को बहुत बड़ी संख्या से हम यहाँ आए हुए हैं, तो भी हम सभी ध्यान करने के लिए ये हमारा पुण्य कर्म फल लेकर आए हैं। लेकिन जिस समय हमने पुण्य किया है किसी जन्म में, तो करने के समय हमारा जो चित्त था, किसने बताया श्रद्धा उत्पन्न हुई किया, हम यदि इसमें जो बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं, कोई कोई को खोज भी है, तो जब खोज होता है तो किसी जन्म में हम जैसे भगवान का जो धर्म होता है वो जैसे भगवान क्या बोलते, जैसे भंती जी ने हमें बताया है मनोपुंगमा यानी मन है, लेकिन मन कितने प्रकार का होता है नहीं क्या? तो ये मन जो प्रथम मन है, प्रथम चित्त है, उससे उसके हिसाब से हम पुण्य कर्म करते हैं, हमें होश आता है, लेकिन सबके वश की बात नहीं है। तो इसीलिए आप सभी के पुण्य कर्म फल लेकर आए, लेकिन सबके लिए किसी को होश नहीं। तो क्या पुण्य कर्म है? जिस जन्म में हमने पुण्य किया है वो हमारा चित्त उस समय ज्ञान संप्रयुक्त नहीं था, इसीलिए
इस समय में हमें ये होश नहीं है कि इस समय हम ध्यान यानी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि आपने ध्यान के लिए भी पुण्य किया, पुण्य कर्म किया है, इसीलिए इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की है इसमें ध्यान का भी ये समय निश्चित किया है। इसीलिए ये ध्यान क्या है, हमारा जो ध्येय है, उद्देश्य है, संकल्प है, वो पूरा करने के लिए हमारे हमारे हृदय वस्तु में ये जो ध्येय धातु है उसी को हमें विकसित करना है। जो विकसित होती है प्रभावशाली होती है, सुनने से तो होती है, पुण्य कर्म से तो होती है, लेकिन ध्यान की वजह से ये बहुत प्रभावशाली होती है। तो इसीलिए जब जैसे भगवान के समय में ये ध्यान करने के लिए अरण्य गत हो, हम अरण्य में आ गए, ये स्थान हो गया, अरण्य में आकर हम ध्यान कैसे कर सकते हैं, तो भगवान ने जैसे बताया पल्लंकं सभी आप अपने आप ये सजग करें, इस समय मैं ध्यान के लिए मुझे कैसा बैठना चाहिए। जैसे भगवान ध्यान के लिए बैठते हैं वैसा मैं बैठता हूँ या नहीं, नहीं तो कोई गलत नहीं, लेकिन बैठने के लिए प्रयास तो करें। तो इसीलिए पल्लंकं पालती मार करें बैठ जाए, और आभूजित उजुकायन कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, जिसके वजह से हम लंबे समय तक आसानी से बैठ सकते हैं। और जो भगवान ने प्रमुख कर्मस्थान बताया है उसकी सही तरीके से हमें यानी जानकारी होती है। ठीक है, हम बैठ गए भगवान के जैसे बैठ गए, भगवान के धर्मपुत्र हैं, ये धर्म कन्या हैं, धर्मपुत्री हैं, बैठ गए, अभी क्या है हमको कौन सा कर्मस्थान करेंगे। जिस कर्मस्थान से भगवान को सम्यक संबोधि प्राप्त है और सबसे जो प्रणीत यानी उत्तम कर्मस्थान है, जैसे भगवान ने ये बताया है आनापाना सती अस्सा परिपूर्णा सुभाविता अनुपुब्बेन परिचित्ता तथा बुद्धेन देशिता सो इमं लोकं पवासेति आभा मुत्तो जंगिमा। भगवान कहते हैं भिक्षुओं ये आनापान सति का जो अभ्यास करता है ओ बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह अपने साथ औरों को प्रकाशित करने के लिए एक माध्यम होता है। इसीलिए हम गृहस्थी जीवन में हैं, हमारा भी जीवन में सफल बनाना है और हमारे साथ जो है उसका भी जीवन सफल बनाना है, इसलिए हम ये आनापान का अभ्यास करना ही चाहें। 7 साल से यानी बुढ़ापे तक 70 साल तक ये आनापान सति का अभ्यास हम कर सकते हैं। इसीलिए आनापान सति का अभ्यास करने के लिए भगवान ने हमें बताया। ठीक है, तो ये आनापान सति का अभ्यास करने के लिए हमारा मन कहाँ पर रखे, परिमुखम सती उपट्टपित्वा, बस अपना चित्त ऊपर वाले ओठ के ऊपर नासिका के नीचे केंद्रित करके रखे। क्यों, यहाँ से श्वास आती है जाती है, सतो असती सतो पससती, श्वास आ रही है यानी अंदर से बाहर आ रही है या निकल रही है, ऐसा क्यों। जिस समय हम अपने माता के कोख से बाहर निकलते समय ही हमारी जो श्वास है अंदर से बाहर निकलती है, जैसे निकलती है वैसे अंदर जाती है। हाँ, इसीलिए सतो असती सतो पससती, हम यदि आँख नहीं लगाएंगे तो हमारा चित्त श्वास को जानने के लिए बहुत कठिन होगा। इसीलिए भगवान ने भी जो सम्यक संबोधि प्राप्त की, जो ध्यान किया पटमंग बोधि पल्लकं, यानी पहली सप्ताह में तो आँख लगा कर ही किया, और आँख लगाने के बाद उसने ऐसा निश्चय किया कि जब तक मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त न हो तब तक मैं आँख नहीं खोलूंगा, शरीर का कोई हिस्सा नहीं लाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह हम थोड़े समय के लिए भी नहीं कर सकते क्या, हम नहीं कर सकते। तो हमें ये भगवान का जो ज्ञान है, हमारे बारे में सही जानकारी है, वो नहीं हो सकती, बाहरी बाहरी होगी, दिखावा ही हो जाएगा, इसीलिए हमें सही शांति भी नहीं मिलेगी। ये अभ्यास सब कर सकते हैं, इसीलिए
हमने हमारा चित्तम परियोगम सती सतो अससती सतो पससती। श्वास आ रही है जा रही है, इसी को जानने के लिए हमारा श्वास आ रहा है। ऊपर वाले होंठ के ऊपर हमें स्पर्श हो रहा है, और जो स्पर्श होता है जैसा हमारा शरीर का कोई भाग यानी खुला हो तो बारी बार हवा बहती है तो खुले शरीर पर स्पर्श होता है। इसी तरह जो श्वास बाहर आती है जाती है उसका ऊपर वाले होंठ के ऊपर यानी स्पर्श हो रहा है, ठीक है। ये स्पर्श हो रहा है और स्पर्श के साथ साथ हम श्वास को भी जान रहे हैं और श्वास के साथ साथ स्पर्श को भी जान रहे हैं। अरे जानते जानते ये सत्य की जानकारी हो गई, श्वास आ रहा है जा रहा है, स्पर्श भी सत्य है। और कोई अनुभूति होती है ऊपर वाले होंठ के ऊपर नासिका के नलियों में इर्द गिर्द किसी को गर्मी सी महसूस हो, शीतल शीतल सा लगता हो, भारी हो, हल्का सा हो, सरसराहट सी हो, झंझनाहट सी हो, धड़कन हो, फड़कन हो, चीटिया जैसी रेंगती हो, तो ये हमें परम सुख प्राप्त करने के लिए सम्यक एकाग्रता के साथ साथ सम्यक एकाग्रता जिस क्षण में हमें सम्यक एकाग्रता होता है उसी समय भले इसी सीमित स्थान पर क्यों न हो हमें सत्य के साथ साथ परमार्थ सत्य की अनुभूति होती है, यानी चीटिया जैसे रेंगती है ऊपर वाले ओट के ऊपर। भले ही हमने कभी ध्यान भी नहीं किया हो लेकिन बहुत सारे जन्म में हमने जो ध्यान तो किया ही होगा, जैसा जो धर्म है इससे कोई निकाल भी नहीं सकते और जोड़ भी नहीं सकते। अट्ठांगी कौरियो पतो जना, ये आठ अंग वाला मार्ग है, हम नहीं निकाल सकते। भले हमें अभ्यास करना है तो ये अट्ठांगी को अरियो पतो जना, हमें आर्य बनना है, हमें आर्य बनना है तो आर्य अष्टांग मार्ग पर ही हमें ध्यान करना उचित होता है। जब चित्त एकाग्र होता है सम्यक एकाग्रता बढ़ती है। किसी का चित्त यो भले हम आनापान का अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन शरीर से जुड़ा है, मन शरीर से जुड़ा है, चित्त एकाग्र होता है बहुत हम नहीं जान सकते। कोई किस प्रकार के पुण्य पारमिताओं को लेकर यहाँ पर आया हो, ऐसे कई होते हैं ध्यान भी नहीं किया, शिविर में नहीं किया, तो इस समय सारे शरीर में परमाणु की जानकारी भी होती है, नहीं क्या सारा शरीर तरंगित होता है, सारी ग्रंथियां खुलते ही जाती है। इसीलिए आगे चलकर सतो अससती सतो पससती दीगंगवा अससंतो दीगंग अससामीति पजानाति, दीगंगवा पससंतो दीगंग पससामीति पजानाति। दीर्घ श्वास आ रहा है दीर्घ श्वास जा रहा है, जानते जानते जैसा चित्त एकाग्र होता है तो हमारा मन भी एकाग्र होता है, तो अपने हाँ अपने श्वास की जो गति है वो धीमी हो जाती है। हमें ये मानस बनाना है धीमे श्वास को भी मैं जानते ही रहूंगा। इस प्रकार मानस बनाएंगे तो हर श्वास को जानने की क्षमता बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है। इसीलिए ये आनापान श्वास आ रहा है जा रहा है तो अपने अपने पुण्य कर्म के हिसाब से हमारा चित्त को ये आनापान से हमें शांति महसूस होती है, सारी ग्रंथियां खुलते ही जाती हैं। इसीलिए हम ये अभ्यास यहाँ पर आए हुए हैं ऐसा मानस बनाए। यहाँ पर हम तो धर्मवाणी पास सुनेंगे पुण्य भी कर्म करेंगे लेकिन भगवान के समय में ये जो श्वास की जानकारी हो रही है हमें और ये परमाणु की जो जानकारी हो रही ऊपर वाले ओट के ऊपर तो क्या हो रहा है। नहीं तो भी हम वंदना तो कहते हैं, इसमें जो धर्म का जो गुण है पच्चतम वेदी तपो विनुहिति, ये धर्म का गुण इतना बलवान होता है, इसी क्षण की ये जानकारी है पच्चतम वेदी तपो, जो हमें ज्ञान है जो विद्य लोक है इसकी जानकारी होती है। तो हमें हमारा मन भटकता है, इतना अभ्यास करते करते
किसी को कभी कभी ऐसा भी लगता है, अरे ये ऐसा को ऐसा क्या हो गया, धड़कन हो गया, भड़कन हो गया, उसकी उसको घबराहट होती है। तो तुरंत हमें, हम क्या कर रहे हैं, भंते जी जैसे बता रहे हैं वैसा कर रहे हैं या नहीं? तो जैसे संवेदन हमारे अंतर्मन में जो संग्रहित संस्कार है उभर कर शरीर पर प्रकट होते हैं, हमें घबराहट उत्पन्न होती है। तो हम क्या करते हैं, वो घबराहट को, वो दुखद वेदना को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं और संस्कार संस्कार संग्रहित करती जाती है, हमारी क्षमता टूटती है। इसीलिए हमने निश्चय करना चाहिए किसी भी प्रकार की पीड़ा क्यों न हो, संवेदना क्यों न हो, वो निकलने के लिए ही आ रही है, उत्पन्न होती है तो नष्ट ही होने वाली है, उसी को हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे। हम हमारे मन में जो विचार आते हैं उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो गए तो क्या करेंगे, हर श्वास की जानकारी करते रहेंगे। ये अभी से हमारे आखिरी अंत में मृत्यु तक ये श्वास हमारे साथ रहने वाली है, तो इसीलिए हम ये काम करेंगे। लेकिन ये अभ्यास बहुत पुण्यशाली लोगों का होता है, ये साधारण अभ्यास नहीं है। तो इसलिए ये आनापान का अभ्यास करने के लिए भगवान ने और कोई कर्मष्ठान बताया है, जिसे हम कायागत शक्ति का अभ्यास कहते हैं। ये सारा शरीर भिक्षु जो कायागत शक्ति का अभ्यास नहीं करते तो क्या होते हैं, वो भटक जाती है। जो भटकते हैं उसने कायागत शक्ति का अभ्यास नहीं किया है। जो कायागत शक्ति का अभ्यास करते हैं वो अमृत रस प्राशन करते हैं। जो कायागत शक्ति का अभ्यास नहीं करते वो अमृत रस प्राशन नहीं करते हैं।